आज पांचवा दिन है हम लोगों के इटली के ट्रिप का, और इस वक्त सुबह के तकरीबन 6:30 हुए। मैं एक जगह पे जा रहा हूँ जहाँ पे कल हम लोगों ने रास्ते में आते हुए रुइंस देखे थे, और एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की स्ट्रीम भी। तो जेन में आया कि उसकी ड्रोन वीडियो बनाई जाए। आज थोड़े बादल हैं, सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं। अभी वैसे कुछ ज़्यादा अंदाज़ा नहीं कि ये जो रुइंस हैं ये खुले भी होंगे कि नहीं, क्योंकि अभी सिर्फ सुबह के 7:15 हुए हैं। तो किस्मत है, देखें क्या बनता है। सामने रोइंस हैं जिनकी मैं बात कर रहा था। मुझे पार्किंग नहीं मिल रही कोई, तो पार्किंग ढूंढ के फिर मैं कोशिश करता हूँ इसको क्लाइम करने की। अभी मेरी एक लोकल से बात हुई है, उन्होंने बताया कि ये जो रोइंस हैं ये क्लोज हैं पब्लिक के लिए। अंदर से जाके अब देखना तो पॉसिबल नहीं रहा। अब मैं कहीं से कोई जगह ढूंढ के ड्रोन उड़ा के इसको कैप्चर करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ से रास्ता जाता हूँ। ये रास्ता बना तो हुआ है लेकिन कोई आइडिया नहीं। चलें जी थोड़ा सा ऊपर जाके देखते हैं। जूते गलत पहने हुए हैं मैंने, मुझे असल में अंदाज़ा नहीं था कि रास्ता मिल जाएगा और मैं आगे जा सकूंगा, तो चेंज करने का टाइम नहीं मिला। ऐसे कोई बंदा ना कोई बंदे की ज़ात फ़िलहाल नज़र नहीं आ रही, लेकिन आगे एक बिल्डिंग आ तो रही है। हाँ ये दीवार, चलो जी कुछ नज़र तो आया। हाँ जी एक रास्ता ये है और एक ये, और ये सामने रुइंस। इसकी एंट्रेंस किधर से है फिलहाल कोई अंदाज़ा नहीं, क्योंकि ये रास्ता आगे से आगे जाए जा रहा है। मैं अब ये सोच रहा हूँ कि वापस पलटूँ और इसकी ड्रोन शॉट हम ऊपर से ही बनाएं। हाँ नहीं बल्कि आगे मुझे नज़र आ रही है एक स्ट्रक्चर। रास्ता बंद है और ये आई थिंक एंट्रेंस है या एटलीस्ट दरवाजा है, लॉक लगा हुआ है। ऐसे मेरे ऐसा बंदा जा सकता है इधर से क्योंकि ये दरवाज़ा उखड़ गया है अपनी जगह से। मैं कोई ऐसी जगह ढूंढ रहा हूँ जो ऊपर दरख्त ना हो, ताकि ड्रोन वगैरह अगर सिग्नल लूज़ हो जाए तो वो वापस आ सके। थोड़ी जल्दी भी करनी है ड्रोन उड़ा के, क्योंकि जहाँ पर मैंने गाड़ी पार्क की है वो बेसिकली किसी की दुकान थी, तो इससे पहले कि वो लोग आ जाएँ मुझे फटाफट ड्रोन उड़ा के शॉट बनानी है और वापस जाना है। जी अब वापसी का सफ़र शुरू हो गया है। ड्रोन उड़ाते हुए मच्छरों ने काट काट के टांग ज़ख्मी कर दी है। ये भी एक वजह थी जिसकी वजह से मुझे जल्दी से
ड्रोन वापस उतारना पड़ा। थोड़ी जल्दी भी करनी है क्योंकि जिस जगह मैंने गाड़ी पार्क की है वो किसी की दुकान के बिल्कुल सामने थी। मेरा दुकान वाला अभी तक वापस नहीं आया होगा। हाँ जी, नहीं मन नहीं लग रहा है फ़िलहाल इस गांव में। यह हो सकता है कि शॉप वैसे ही क्लोज़ हो। यहाँ पार्क की थी मैंने गाड़ी शटर के बिल्कुल सामने। यहाँ मुझे जब मैंने ड्रोन उड़ाया तो मुझे ऊपर से एक नदी नज़र आई है। ये ट्रेन के ट्रैक के दूसरी तरफ नदी है, तो मैंने सोचा कि लगे हाथों इसकी वीडियो भी बनाएं ड्रोन से। काफ़ी वैसे देर हो गई है, लंबा ही फाटक बंद है। ये है वो जगह जो मुझे ऊपर से नज़र आई, और वो जो सामने टावर है उसकी मैंने अभी वीडियो बनाई है। और ये इस साइड पे रुइंस हैं जहाँ से अभी हम होके आए हैं थोड़ी देर में। बहुत ही खूबसूरत जगह है ये, और अब वापसी हो रही है। वापसी में भी किस्मत ख़राब ही है, अभी थोड़ी देर पहले ही फाटक बंद हुए दोबारा से। अच्छा, लाइट वैसे अभी लाल ही है फाटक, लेकिन खुल गया है।